उन्नीस की कहानी से शुरुआत करता हूं इंजीनियरिंग करने की जिद कर दी इन्होंने उस समय कोई इंजीनियरिंग नहीं करता था मां बाप ने बोला कोई शादी कहाँ करेगा तुमसे जो लड़की लड़कों के साथ पढ़ती हो लड़कियां कहाँ इंजीनियरिंग करती हैं केवल लड़के, लड़के 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 बीच में एक लड़की बहुत मुश्किल से घर वालों को समझाया प्रिंसिपल ने मना कर दिया अब घर वाले माने प्रिंसिपल ने मना कर दिया और प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो टेस्ट मैं सेट करूंगा भयंकर टेस्ट सेट कर दिया कि कोई पास ही ना कर सके सुधा ने पूरा पेपर ठीक किया एडमिशन हो गया बाद में प्रिंसिपल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी एक और रिस्ट्रिक्शन कैंटीन में नहीं जाओगी और साड़ी में आना होगा अब 600 लड़कों में पांच सौ निन्यानवे छे सौ बच्चों में पांच सौ निन्यानवे लड़के एक सुधा मूर्ति अकेली लड़की कोई नोट नहीं शेयर करे कोई बात नहीं करे लड़के उनको सीक्रेट चिट्ठियां लिख करके दे कि तू इंजीनियरिंग कॉलेज में है जान कहीं जाकर शादी कर ले यूँ क्यों परेशान हो रही है बी कर ले इंग्लिश में जाकर कन्नड़ में बी कर ले इन्फोसिस फाउंडेशन ने अठारह लड़कियों को टॉयलेट बनाए थे अट्ठारह हजार टॉयलेट बनाए थे उनको लड़कों से बात करने के लिए सख्त मनाई थी तो प्रिंसिपल को लगता था लड़कों से बात कि ध्यान जाएगा। लेकिन पहले साल में पूरा खुद ही होगी आई एम माई पास आई टू ब्रेक माइंड सेट वो, वो चिट्ठी लिख दिया जे आर डी टाटा को और क्या लिखा उसमें चिट्ठी में आपसे बहुत नाराज हूं कि लड़की अप्लाई नहीं कर सकती यहां पे और मैं आपको आज यह याद दिलाना चाहती हूं जेआरडी टाटा के इस देश की प्रोग्रेस तब तक नहीं होगी जब तक आप औरतों को इन्वॉल्व नहीं करोगे वर्कफोर्स के अंदर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे औरतों को मेन और वुमेन को आप इक्वल उनको नो वुमेन पॉलिसी जेआरडी टाटा यह आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था जेआरडी टाटा को अपना डिसीजन पर रिविजन करना पड़ गया उन्होंने रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे लेकिन वहां से जॉब की चिट्ठी आ गई मीन वाइल या अमेरिका के अंदर पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए इनको जॉब लग गई वहां पे तो अब इनका कहा मैं टेलको नहीं जाऊंगी अब अब मैं अमेरिका निकल रही हूं पीएचडी करने के तो इनके पिता ने उनको रोक दिया कहा बेटी रुको मेरी बात सुनो अगर तुम हजारों लाखों लड़कियों के लिए लड़ी हो ना ये अपने लिए नहीं लड़ी थी तुम ये तुम उन हजारों लड़कियों के लिए लड़ी हो जिनको इंजीनियरिंग में नौकरियां नहीं मिलती थी अब पीछे मत हटना और टेलको चले जाओ तो ये टेलको में पहली लड़की अपॉइंट हुई थी इस जिंदगी में ना अपने प्लेजर के लिए नहीं जी अपने पर्पज के लिए जी सुधा मूर्ति के तीन सबसे बड़े शौक थे एक पढ़ना हजारों हाँ किताबें पढ़ना दूसरा फिल्में देखना उन फिल्मों जिनसे मैं संस्कार बढ़ते हूँ और तीसरा इनको एक शौक था साड़ी खरीदने का साड़ी बहुत खरीदा करती थी पर दो दो में एक बार काशी विश्वनाथ गई काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ है